नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे स्पेशल प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक टॉपिक महिला समानता दिवस पर चर्चा करेंगे। 26 अगस्त ही क्यों, आइए जानते हैं इसके बारे में। अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इससे पहले वहां महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता था। इस समानता के लिए संघर्ष करने वाली एक महिला वकील बेल्ला अबजुग के अथक प्रयासों के उपरांत 1971 से 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश था जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की। वहीं भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही वोट का अधिकार महिलाओं को मिल गया था। दोस्तों, इस वर्ष की थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन राइट टू वोट। अब आइए जानते हैं इसके महत्व और उपलब्धि के बारे में। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य रुपिंदर कौर कहती हैं कि बदलाव तो काफी दिख रहा है। पहले जहां महिलाएं घरों से नहीं निकलती थी, वहीं अब वे अपने हक के लिए भी लड़ रही हैं। WEF के द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन ताजुब की बात यह है कि राजनीतिक सशक्तिकरण में भारत को 48वां स्थान मिला, लेकिन इसमें गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल अगर हमने 48वां स्थान प्राप्त किया है तो इसके पीछे भी एक कारण उत्तरदायी है कि हमने महिलाओं को स्वतंत्रता के बाद ही वोटिंग राइट दे दिए थे। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंचायतों तथा नगर निकायों में चुनाव लड़ने का कानूनी अधिकार 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयास से मिला। इसी का परिणाम है कि आज भारत की पंचायतों में महिलाओं की 50% से अधिक भागीदारी है। वहीं अगर बात करें देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, BSP की अध्यक्ष मायावती जी ने विश्व में भारत का नाम सुमार किया है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।